आखिर कब तक इन खाद्य पदार्थ बनाने वाली कंपनियों की लापरवाही का शिकार भोली भाली जनता होती रहेगी। हरियाणा में अंबाला कैंट के सरकारी कॉलेज में कैंटीन चला रहे राजेश ने 27 तारीख को अंबाला की एक एजेंसी से कोल्ड ड्रिंक की 3 क्रेट खरीदी, जिसमें से 1 क्रेट के अंदर 24 बोतलों में से 6 बोतलों के अंदर मक्खियां पाई गई, जिसकी वजह से एहतियातन कैंटीन मालिक को सारा माल फेंकना पड़ा और कैंटीन बंद करनी पड़ी। जब उन्होंने इस बात की शिकायत एजेंसी मालिक से की तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना ही इतने गंभीर मामले की शिकायत पर कंपनी का कोई अधिकारी कार्रवाई करने के लिए आया। आखिर ये कंपनियों के द्वारा जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है? ये सर 27 तारीख को लिए हमने अग्रवाल एसोसिएशन किया। अच्छा जी, तो इसमें क्या? इसमें एक डाले मतलब कि एक प्लेट के अंदर 24 बोतल होती है, 6 बोतलों के अंदर इसके अंदर कीड़े आए। अच्छा जी, 6 बोतल्स के अंदर, और ये प्रूफ है मेरे पास, उनका बिल मेरे पास मौजूद पड़ा है। तो कंपनी को आपने कुछ लिखा? 2:30 बजे इनको मैंने इंफॉर्मेशन करी थी, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो मैंने अब मीडिया वालों को सहारा ले रहा हूँ कि ऐसी जो है वार्ता किसी के साथ भी हो सकती है, मिस हैपनिंग हो सकती है। लेकिन अब मेरा कॉलेज की कंटीन के ऊपर बात आ गई है कि वो उन्होंने मेरा सारा पेप्सी का माल गिरवा दिया। तो इससे आपको कितना नुकसान हुआ? नुकसान सर सारा पूरा नुकसान हो गया, मेरी जो पेमेंट थी सारी ब्लॉक हो गई है, सब कुछ बंद हो गया, कंटीन मेरी बंद हो गई है। तो आप कंपनी से क्या चाहते हैं? सर कंपनी चाहते हैं तो ये मेरा मतलब कि आज कभी ऐसा हरजाना दिया जाए, जो भी है मेरा और मिस हैपनिंग हुई है, आज तक कभी किसी के साथ ना हो जाए। इंडिया 24 के लिए अंबाला से SG शर्मा की रिपोर्ट।